उत्तर पुलिस द्वारा पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा भी किया गया बरामद। एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने दी मीडिया को पूरी जानकारी। फिरोजाबाद एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद, क्षेत्राधिकारी नगर फिरोजाबाद के सफल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान थाना प्रभारी के नेतृत्व में संदिग्ध व्यक्ति, वाहन चेकिंग तथा मुकदमों में वांछित अपराधी, वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कड़ी मेहनत, लगनशीलता एवं पतारसी सुरागरसी से अभियुक्त अमित शर्मा पुत्र शिवदयाल शर्मा ने जीरो रहना की पुलिया के पास लक्ष्मी नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद को थाना उत्तर पुलिस बल द्वारा शनिदेव मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त अमित शर्मा उपरोक्त की जामा तलाशी से बरामद O1 अवैध तमंचा 315 बोर, जिसकी नाल में फंसा O1 खोखा कारतूस 315। थाना उत्तर द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई है? देखिए, जनपद में एनबीडब्ल्यू तामिला का अभियान चलाया जा रहा था, उसी क्रम में थाना उत्तर पुलिस एक अभियुक्त की तलाश में गई जो लगभग 1.5 वर्ष से लगातार वांछित चल रहा था और कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा था। उसका नाम अमित शर्मा है, उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। उसके पास से नाजायज असलहे की बरामदगी की गई है। इसके विरुद्ध पूर्व से लूट और गैंगस्टर के करीब आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत रहे। ये एक सातिर अपराधी है, इससे गहन पूछताछ की जा रही है। इससे पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर भी अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी।